आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो स्टूडेंट, जो आज हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, रैपिड कंबशन इज। तो हमें बताना है कि रैपिड कंबशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच द इग्निशन टेम्परेचर of the fuel is very low. As a result, the fuel burns at a very high rate, resulting in extreme heat and light energy. तो ये भी एक टाइप का कंबशन होता है जिसमें जो हमारा फ्यूल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न होने लगे, ठीक है, तो वो बहुत कम होता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट निकलती है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हम लोग एलपीजी गैस बर्निंग produces heat and light, ठीक है। एलपीजी गैस का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत जल्दी बर्न होती है, ठीक है। और जैसे कोल होता है उसको टाइम लगता है जलने में, है ना, तो रैपिड कम्बशन होता है इसका मतलब बहुत जल्दी जलना। और वो ऐसे जैसे गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, एलपीजी गैस हो गई, या पेट्रोल हो गया, पिस्टन्स में होता है, उसमें होता है। अगर हम लोग ऑप्शन पढ़े तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, हाँ ये सही हो सकता है। व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, नहीं, बर्स्ट इनटू फ्लेम एकदम से नहीं होता, ठीक है। व्हेन देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ हीट होगा लेकिन वो ये एवोल्यूशन ऑफ हीट तो कोल में भी होता है, लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा है ना कि कैसे, मतलब कि किस तरीके से होता है, ठीक है। नन ऑफ दिस होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या सही होगा, ऑप्शन वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।